हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आज की वैकेंसी आपके सामने बहुत ही खास रहने वाली, बहुत ही यूनिक रहने वाली है। उससे पहले मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे लेके आया हूँ। उसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न सिर्फ साफ सुथरा इतना सा है क्योंकि यहाँ जो अपडेट मिलती है, यहाँ जो आपको क्राइटेरिया मिलता है वो सबसे पहले मिलता है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल डायरेक्टली बता दूँ, अगर आपको मैंने पहले भी बताया, देख मैं कभी भी यहाँ किसी प्रॉफिट के लिए नहीं हूँ, किसी व्यूज़ के लिए नहीं हूँ, किसी क्राइटेरिया के लिए नहीं हूँ, मैं हूँ सिर्फ आपकी हेल्प के लिए। देखिए, एक एंटरटेनिंग चैनल होता है, एंटरटेनिंग चैनल में क्या होता है कि लाइफ टाइम व्यूअर्स रहते हैं, लेकिन एक जो ये वाला स्टडी के लिए है कि आपकी अगर 10 दिन बाद, एक एग्जांपल मान लीजिए, आज से आपकी 20 दिन बाद जॉब लग जाएगी तो आप क्या करेंगे? कैसे देखेंगे? नहीं, लेकिन आपकी किसी एंटरटेनिंग चैनल पे आप लाइफ टाइम देखेंगे। तो आप सिर्फ जॉब के लिए यहाँ हैं, तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ आपके बेनिफिट के लिए आप टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लें। वहाँ क्या बेनिफिट है? वहाँ इतना ही बेनिफिट है लाइक जैसे कोई आपके मोबाइल पे व्हाट्सएप पे मैसेज आता है वो सबसे पहले आप देख लेते हैं। और जब आप यूट्यूब पे 24 आवर्स आप नहीं चला सकते, बट आप टेलीग्राम पे जब सबसे पहले आते हैं और आप नोटिफिकेशन देखते हैं तो जल्दी से जल्दी अप्लाई कर देते हैं। एक चीज़ और, आप एक चीज़ जान लीजिए कि जब आपके पास किसी प्राइवेट कंपनी का क्या होता है, क्राइटेरिया होता है कि उतने ही स्टूडेंट लेने हैं, लाइक 500 स्टूडेंट लेने हैं, 500 बंदे लेने हैं या 200 बंदे लेने हैं। दोस्तों, उसके बाद ये चीज़ें फिल हो जाती हैं, फुलफिल हो जाती हैं, उसके बाद आपको कुछ नहीं हो पाता है। इसीलिए आपसे मैं इतना ही बोल रहा हूँ, अप्लाई ज़रूर कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल पर आ जाइए। दोस्तों, टेलीग्राम चैनल पर आपको सबसे पहले अपडेट मिलेगी, बट गवर्नमेंट जॉब में एक क्राइटेरिया होता है, उसकी लास्ट डेट होती है, लेकिन प्राइवेट जॉब की कोई लास्ट डेट नहीं होती है। इसीलिए आप यहाँ अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा। कहते हैं सबसे पहले अगर मैं बात कर लेता हूँ ISC की, दोस्तों ये जो कंपनी है ये है इंडियन स्टील कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है, इंडिया के साथ साथ ग्लोबलाइज वर्क करती है। इंडिया के साथ साथ आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा जहाँ आपको अपॉर्चुनिटी बिल्कुल ही खास मिल जाएगी, तो इसीलिए इसमें अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है आई एम ऑलवेज विद यू। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी ब्रांच और पास आउट ये क्यों मेंशन करवाता हूँ और क्यों आपसे बार बार बोलता हूँ कि उसे मेंशन कर दीजिएगा, उसका सिर्फ इतना ही रीज़न है क्योंकि आप ब्रांच और पास आउट ईयर मेंशन करते हैं तो मेरे लिए इजी हो जाता है जॉब को देना और नेक्स्ट जॉब की अपडेट लाना। अगर मान लीजिए आप, एक एग्जांपल बोल रहा हूँ कि आप, मैं सिविल की अपडेट ला रहा हूँ और सिविल के स्टूडेंट ही 20 हैं और मैकेनिकल के 50 हैं, तो मैकेनिकल वालों को तो लॉस ही है ना। तो अगर मेरे को पता रहेगा कि 50 मैकेनिकल के हैं तो मैं 50 के लिए वैकेंसी लाऊंगा, सिविल वालों के लिए भी लेके आऊंगा, तो सभी के लिए वैकेंसी। तो इसीलिए अपना ब्रांच और पास आउट ईयर जरूर मेंशन कर दे। कोई भी प्रॉब्लम होती है जरूर मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, ये इंडियन स्टील कॉर्पोरेशन लिमिटेड बहुत बड़ा ग्रुप है, अगर मैं इसको ओपन करके देख लेता हूं तो इसके अंदर जो वैकेंसी आई हुई है बहुत ही अच्छी है, इंडिया के साथ साथ ग्लोबलाइज वर्क करता है। दोस्तों, अगर इसका हेड ऑफिस जान लेते हैं, हेड ऑफिस है इसके महाराष्ट्र में, मुंबई बेस्ड कंपनी है और ये इंडिया के साथ साथ ग्लोबलाइज वर्क करती है। फुल नेम है इसका इंडियन स्टील कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मतलब ISCL के अंदर ये वैकेंसी आ रही है, तो आपको अप्लाई जरूर करना है। कहां मिलेगी, कहां ये वैकेंसी आई है, उसी के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, इंजीनियर्स के लिए मैं एक सबसे खास मौका लेके आया हूं जो कि है मॉनेस्टर की तरफ से। आप सबने कभी ना कभी नाम सुना होगा मॉनेस्टर ऐप का बारे में। ये क्या है? जैसे आपने Naukri.com सुना है, LinkedIn सुना है, ये भी एक ऐसा ही ऐप है जो कि आपका जो जॉब है वो बहुत जल्दी दिला सकता है। क्योंकि देखिए, बहुत सारी कंपनी लाइक टाटा, अडानी, डालमिया, इनके साथ ये डायरेक्टली इन्हीं के वेबसाइट पे आके पोस्ट करती है। तो मैं इसका क्यों बता रहा हूँ, ऑब्वियसली बात है कि ये कोई पेड प्रमोशन तो है नहीं, ना ही कोई, मैं आपको चाहता हूँ कि आप सबकी जॉब लग जाए, क्योंकि आपकी जॉब लगेगी तभी आप वीडियो को फॉरवर्ड करेंगे, दुनिया को बताएंगे कि मेरी जॉब वहाँ से लगी। इसलिए मैं सबके लिए चाहता हूँ कि जॉब लग जाए, तो इस पर आके जरूर साइन अप कर लेना। मैंने एक जो इसका लिंक है डायरेक्टली वो मैंने आपको दे दिया है, जहाँ से आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। यहाँ इसमें आपको कुछ नहीं करना है, साइन अप करना है, बस एक प्रोफाइल बनानी है, फुल नेम, ईमेल, फोन नंबर, पासवर्ड और ID पासवर्ड करके एक रजिस्टर कर लेना। रजिस्टर करके अपना रिज्यूम आप अटैच कर दीजिएगा, जो भी कंपनी के अंदर आपके रिलेटेड वैकेंसी निकलती है वो सबसे पहले आपको दिख जाएगी, तो इसमें जरूर से जरूर साइन अप कर लें। दोस्तों, ये जो मैं आ गया हूँ, ये आ गया हूँ ISCL की ऑफिशियल LinkedIn प्रोफाइल पेज पे।
इसके साथ मैं ये आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ, जिन्होंने अभी तक लिंक्डइन का प्रोफाइल नहीं बनाया है वो लिंक्डइन की एक बार प्रोफाइल जनरेट करके मेरे को फॉलो जरूर कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उससे क्या होगा कि आपको सबसे पहले जॉब नोटिफिकेशन लिंक्डइन पे भी मिलेगा। तो लिंक्डइन पे आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए, यहाँ जो है आपको नज़र आ रहा होगा ISCL के अंदर वैकेंसी आई है और ये जो इंटरव्यू डेट रहने वाली है 18/11 इसकी रहने वाली है। लेकिन इन्होंने कैसे मांगा है, किस किस के लिए वैकेंसी है, उसी के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने बोला है बालेसर कहाँ गुजरात में आपकी पोस्टिंग रहने वाली है, कहाँ पोस्टिंग रहने वाली है गुजरात में और कहाँ कच्छ में, और ये प्लांट है ये कौन सा स्टील प्लांट के अंदर आपकी वैकेंसी रहेगी, स्टील प्लांट के अंदर आपकी वैकेंसी रहेगी जो कि आपकी बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, जो कि आपकी बहुत ही अच्छी जॉब है। दोस्तों अगर इसमें बात कर लेते हैं किस किस वैकेंसी के लिए, अगर इसमें आप देखेंगे असिस्टेंट जनरल मैनेजर एंड डिप्यूटी जनरल मैनेजर के लिए अलग वैकेंसी आ रही, क्या मांगा है BE डिप्लोमा पास आउट में मांगा है 15 से 20 ईयर का एक्सपीरियंस। तो ऑब्वियसली मेरे को पता है मेरे चैनल पे 15-20 ईयर वाला एक्सपीरियंस वाले कोई नहीं होंगे, तो इसीलिए मैं उनके लिए ज्यादा वैकेंसी लाता भी नहीं हूं, उनके बारे में ज्यादा बात करता भी नहीं हूं, क्योंकि इतने एक्सपीरियंस में खुद ही क्राइटेरिया मैच हो जाता है कहीं ना कहीं। दोस्तों दूसरी वैकेंसी आ रही है इंजीनियर सीनियर इंजीनियर प्रोडक्शन में, मिल में, CRA में, GPA में, फिनिशिंग में, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। तो इनडायरेक्टली ये जो वैकेंसी है ये सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन, फिनिशिंग, C&A, GP इन सभी के लिए वैकेंसी है। टोटल एक्सपीरियंस जो मांगा है इन्होंने बोला है फ्रेशर या फिर 2 से 8 साल तक का एक्सपीरियंस। अब आप बोलेंगे 2 से 8 साल तक का एक्सपीरियंस मतलब हम 2020 में पास आउट होने चाहिए, जी नहीं, इन्होंने फ्रेशर भी मेंशन किया है। अब आपके क्राइटेरिया क्या मांगा है, डिप्लोमा BE BSc पास वाले स्टूडेंट यहां अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कैसे करना है। और उसके अलावा और भी वैकेंसी आई है, ये आई है देखिए ऑपरेटर के लिए आई है ITI 10th 12th और 3 से 10 साल तक का एक्सपीरियंस मांगा है, इलेक्ट्रीशियन फिटर, और इन्होंने ITI भी मांगा है। अगर आपके पास 2 से 10 साल तक का एक्सपीरियंस है ITI वालों के पास तो आप यहां एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ अगर आप ये जो लोकेशन कहां मांगी है, इन्होंने मांगा है साई रिवर रिजॉर्ट मुंबई पुणे ओल्ड हाईवे कोपुली। लेकिन अब मान लीजिए कि आप किसी केरला में रहते हैं, बेंगलोर में रहते हैं, तो आप मुंबई देने ये इंटरव्यू के लिए थोड़ी ना जाएंगे, कोई गवर्नमेंट इंटरव्यू थोड़ी ना है। तो उन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है those who are unable to attend interview may send their resume to gulabchauhan@indianstill.com or shiv_soni@indianstill.com। अगर आप रिज्यूम देने मतलब आप जो है इंटरव्यू के लिए नहीं आ सकते हैं तो आप यहां रिज्यूम अपना भेज दें, ये इन्होंने डायरेक्टली बोला है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये किस पे भेजना है, gulabchauhan@indianstill.com पे आपको भेजना है और shiv_soni@indianstill.com पे आपको भेजना है। ये मैं आपको मेल ID दोनों प्रोवाइड करा दूंगा। कहां प्रोवाइड कराऊंगा, ये मैं कराऊंगा आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, टेलीग्राम चैनल पे जाइए, कैसे अप्लाई करना है या डायरेक्टली आपको अप्लाई का भी बता दूंगा। और इसको कैसे मेल करना है, इसको मेल करना है आपको कवर लेटर के साथ। दोस्तों कवर लेटर के बारे में बहुत बंदों के दिमाग में बहुत सारी क्वेरीज हैं, उसका रीज़न क्या है। कवर लेटर होता है अपने बारे में छोटी से छोटी बातों में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देना, दैट मीन्स कवर लेटर। पहले क्या होता था, हमें CV किसी के हाथ में देना होता था, बट आज के टाइम में कवर लेटर ही मेन पार्ट है। तो कवर लेटर जरूर देख लीजिएगा और ज़रूर इसे अप्लाई कर दीजिएगा। दोनों लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पोस्ट आउट कर दूंगा और दोनों ही मैं आपको दे दूंगा। तो आप जल्दी नोटिफिकेशन लिंक जाके टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कर ले। कोई भी प्रॉब्लम होती है जल्दी से जल्दी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं और अपनी ब्रांच और पास आउट ईयर जरूर मेंशन कर दें। तो अब इसको अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। दोस्तों उसके बाद आना है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में, मेरी वेबसाइट पे हर जगह आपको मिल जाएगा। यहाँ आके आपको यहाँ ऊपर ही पिन मैसेज का एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, यहाँ आपको क्लिक करना है। देखिए यहाँ आपको रिज्यूम फॉर्मेट भी मिल जाएगा, रिज्यूम फॉर्मेट के साथ साथ जो अगर आप देखेंगे यहाँ आपको कवर लेटर भी मिल जाएगा। कवर लेटर जो होता है अपने आप में क्या चीज़ होती है, कवर लेटर होता है अपने बारे में छोटी से छोटी बातों में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर लेना, इसको बोलते हैं कवर लेटर। कवर लेटर का क्या काम
काम होता है, मैंडेटरी क्या काम होता है। दोस्तों पहले क्या होता था कि आपका सीवी जो है इन हैंड देना पड़ता था, बट आज के टाइम में हर चीज कवर लेटर के साथ, मतलब आपका रिज्यूम बहुत कम बंदे पढ़ते हैं बट कवर लेटर हर एक बंदा पढ़ता है। तो आप जो है इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लीजिएगा और जल्दी से जल्दी, अगर आपके पास दूसरा कवर लेटर है तो आप मेरे से शेयर भी कर सकते हैं, अगर मेरे को अच्छा लगेगा मैं आपके टेलीग्राम चैनल पर आपका नाम लेके आपको क्रेडिट करके दूंगा उसको। तो इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर ज्यादा से ज्यादा आपके पास जो कंटेंट है, आपके पास सीवीज है जो है दुनिया की हेल्प करनी है हमें, तो आप हेल्प जरूर कीजिएगा। दोस्तों आपको आना है उसके बाद मेरे मेल सेक्शन में, या फिर आपको जो आप जो भी आपका मेल सेक्शन है उसमें जाना है, वो कवर लेटर जो कॉपी किया था उसको यहाँ पुटअप कर देना है। देखिए सब्जेक्ट में याद रखिएगा कि आपकी ब्रांचेस कौन सी है, रिगार्डिंग वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल। अब डियर सर ऑब्लिक मैम ऐसे, और ये जो है पूरा का पूरा ही बहुत ही अच्छा है। आप डिप्लोमा बीटेक प्लेस ऑफ नेम कॉलेज ये सभी आपको मेंशन कर देना है जो भी वहां लिखा है, और इसको आपको जो आपको मेल आईडी मैंने बताई वहां जो मैं वीडियो बता रहा था उसमें जो मेल आईडी बताई है उसको आपको टू में रख के फॉरवर्ड कर देना है। किसके पास भेज देना है, उसके पास भेज देना है जो आपको मेल आईडी दी है। याद रखिएगा इसके साथ साथ अपना सीवी मतलब अपना बायोडाटा या फिर कोई भी अपना डेट, वो सारा आपको अपलोड कर देना है। किसी भी चीज की कोई प्रॉब्लम होती है आई एम ऑलवेज विद यू। बट आपसे एक और चीज की रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मॉनिस्टर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है उस पर जल्दी से जल्दी मॉनिस्टर ऐप को डाउनलोड कर दे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मॉनिस्टर का मिल जाएगा। तो ये थी आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।